करते हैं अनदर हॉल वीडियो। सो यू आर वेरी हैप्पी दीपावली इन एडवांस। सो आज के हॉल में हम करने वाले हैं अमेज़न कुर्ता सेट्स हॉल। देख सकते हो मुझे ये कुछ 5 कुर्ता सेट्स रिसीव हुए हैं। तो मैंने फुटवेयर भी ऑर्डर किए थे जो कि मुझे वो भी रिसीव हो गए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट की मैंने ब्लैक कलर में कुर्ता सेट ऑर्डर किया था। काफी अच्छा ये इसका वर्क वगैरह मुझे लग रहा था और पिक्चर में भी ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। ये मैंने इंडो एरा से परचेज किया है। काफी अच्छा ये मुझे रिसीव हुआ है और ये देख सकते हो इसकी वर्क वगैरह काफी अच्छी है। इसकी वर्क वगैरह की हुई है। इसका आप नेक देख सकते हो काफी अच्छा इसका नेक रिसीव हुआ है और इसका वर्क भी बहुत ज्यादा प्यारा दिया हुआ है। और इसकी स्लीव ये फुल स्लीव दी हुई है। ये आपको ये कुछ बॉर्डर में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये नेट दिया हुआ है और ये डिजाइन का ये स्लीव कुछ दिया हुआ है। काफी प्यारा इसकी स्लीव का वर्क किया हुआ है ये देख सकते हो। और ये कुछ कटआउट डिटेल दिया हुआ है। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है वेयर करने पर और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है। आप इसे फेस्टिव वेयर में इजिली कैरी कर सकते हो। ब्लैक है बट ये फिर भी इसमें ये जो रेड रेड कलर के ये दिए हुए हैं इसे आप शादी वगैरह या फिर आप इसे दीपावली वगैरह में भी वेयर कर सकते हो। किसी भी फेस्टिव में आप इसे वेयर कर सकते हो। और इसकी लेंथ आप देख सकते हो काफी अच्छी लेंथ दी हुई है और पूरे कुर्ते में ये आपको ये छोटे छोटे ये फ्लावर्स की डिटेलिंग दी हुई है। आप ये देख सकते हो काफी अच्छा लगता है वेयर करने पर। मैंने इसमें साइज एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर किया। ये बस साइज 34 है तो ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में ऑर्डर किया। आप साइज चेक करके लीजिएगा, जो भी आपकी साइज होगी साइज चार्ट में चेकआउट जरूर करना। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग परचेज करना। मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है और ये इसकी प्राइस और साइज आपको ऊपर मेंशन हो जाएगी तो आप चेकआउट जरूर करना। और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वो भी देख लेना। तो ये था कुर्ता, कुछ ही ऐसा रिसीव हुआ है। इसका मुझे नेक काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था और इसका वर्क तो आप देख ही सकते हो काफी फाइन वर्क किया हुआ है पूरे नेक में। ऐसे वर्क के कारण काफी अच्छा फेस्टिवल लुक दे देता है और बहुत ज्यादा हैवी भी लुक हो जाता है। तो चलिए इसके दुपट्टे की बात करते हैं। इसका दुपट्टा ये कुछ ऑर्गेंजा में ये दिया हुआ है। पूरे बॉर्डर में आपको ये कुछ ऐसी डिजाइन मिल जाती है और बहुत ज्यादा अच्छा दुपट्टे का लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ भी काफी अच्छी दी हुई है ये देख सकते हो। और लेंथ भी काफी अच्छा दिया हुआ है ये देख सकते हो। डालने के बाद दुपट्टा कितना प्यारा लगता है और ये किसी भी ओकेजन में काफी प्यारा लगेगा और शादी वगैरह के लिए तो काफी अच्छा है। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो आप इसे इजिली कैरी कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा ये कुर्ता सेट है। और नीचे साइड आपको ये कुछ ऐसे ही बॉर्डर मिल जाते हैं और पूरे साइड में ये कुछ ऐसे बॉर्डर मिल जाते हैं। तो इसके बॉटम की बात करें, इसके बॉटम ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। ये आगे आपको ये कुछ ऐसा दिया हुआ है और पीछे इलास्टिक दी हुई है। काफी अच्छा इसका पैंट दिया हुआ है और नीचे वही जो दुपट्टे में आपको नीचे साइड बॉर्डर दी हुई थी उसी का ये बॉर्डर दिया हुआ है। और लेंथ आप देख सकते हो कुछ इतनी लेंथ दी हुई है, काफी अच्छी लेंथ दी हुई है। मुझे ये परफेक्ट फिट हो गया था। बहुत ज्यादा प्यारा ये कुर्ता सेट है। अगर आपको कुछ ऐसे में चाहिए तो आप जरूर ट्राई करना। क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये मैंने एक कॉटन में ये कुर्ता सेट ऑर्डर किया है। ये कुछ ऐसा मुझे रिसीव हुआ है। इसे भी आप पूजा वगैरह में इजिली वेयर कर सकते हो। काफी प्यारा ये कुर्ता सेट है। तो चलिए इसके कुर्ते की बात करें। ये मैंने अमायरा ब्रांड से लिया है। इसकी साइज स्मॉल है तो ये कुछ ऐसा मुझे रिसीव हुआ है। इसका नेक आपको ये देख सकते हो कुछ ऐसी मिल जाती है। ये आपको लग रहा होगा वी नेक है बट ये वी नेक नहीं है। ये यहाँ से ये कुछ ऐसा इसमें अटैच किया हुआ है। काफी अच्छा वेयर करने के बाद इसका लुक आता है और ये प्योर कॉटन मटेरियल का है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हल्का थोड़ा बहुत ये सी थ्रू है, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा सी थ्रू है बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनर वेयर अच्छा कुछ वेयर करके इसे कैरी कर सकते हो। इसकी स्लीव आप देख सकते हो कुछ ऐसी लेस दी हुई है जो कि आपको फ्रंट में ये लेस दी हुई है और ये पूरे फैब्रिक में ये कुछ ऐसा रोज का पैटर्न दिया हुआ है। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है ये वेयर करने के बाद और काफी अच्छा ये मुझे रिसीव हुआ है। ये एक अनारकली है तो ये देख सकते हो इसका घेरा भी काफी अच्छा घेरा दिया हुआ है और पूरे नीचे ये वही वाला बॉर्डर दिया हुआ है। आप साइड में ट्राई हॉल देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा ये कैसा इसका लुक आता है। और इसके नेक में भी पूरे ऐसा ही लेस की डिटेलिंग दी हुई है। काफी प्यारा ये कुर्ता सेट है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है। तो चलिए इसके पैंट की बात करें। इसका पैंट ये कुछ ऐसा प्लेन ऐसा रिसीव हुआ है। इलास्टिक दी हुई है दोनों साइड और ये प्लेन बेसिक पैंट रिसीव हुआ है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी अच्छा है ये। और इसका दुपट्टा भी कुछ ऐसा ये प्योर कॉटन का रिसीव हुआ है, ये देख सकते हो। काफी अच्छी लेंथ वगैरह दी हुई है और इसकी विड्थ भी काफी अच्छी दी हुई है। तो ये देख सकते हो आप काफी अच्छा
इसका लुक आता है वेयर करने पर, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल है, तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये देख सकते हो आप कितना प्यारा ये कुर्ता सेट है, आपको ट्राई हॉल में तो समझ ही आ जाएगा कैसा इसका लुक आता है। बाकी ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और काफ़ी कम्फर्टेबल है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ ही ऐसा रेड या फिर ये कुछ ऐसे कलर में ये मैंने परचेज किया है। इसमें आपको रेड दिख रहा होगा, बट ये थोड़ा रेड से ये अलग कलर है थोड़ा, बट ये काफी अच्छा ये कुर्ता सेट है। ये देख सकते हो आप, इसमें मैंने साइज ये मॉडल की है, तो ये आप देख सकते हो ये थोड़ी मुझे लूज है, बाकी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आई है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग परचेज करना। मैंने इसमें मीडियम ऑर्डर किया है और क्योंकि स्मॉल साइज आउट ऑफ स्टॉक था, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अभी स्टॉक में आ गया होगा तो आप परचेज कर लेना, क्योंकि काफ़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं ये वाले कुर्ती। तो ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, इसमें आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, और ये छोटी छोटी बूटियों की डिटेलिंग दी हुई है, और इसका नेक काफ़ी प्रिटी ये लगता है वेयर करने के बाद, और ये फेस्टिवल के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसे आप दिवाली वगैरह में काफ़ी ईजी वेयर कर सकते हैं। ये देख सकते हो उसका घेरा, काफ़ी अच्छा इसका घेरा दिया हुआ है। ये भी एक अनारकली पैटर्न है, और इसकी स्लीव आपको ये 3/4 स्लीव मिल जाएगी, और स्लीव में ये कुछ ऐसा डिटेलिंग मिल जाता है, काफ़ी अच्छा इसका डिटेलिंग दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वेयर करने पर। तो ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसका घेरा दिया हुआ है, और ये थोड़ा बहुत हैवी भी है, तो फेस्टिव और वेडिंग में काफ़ी ईजिली कैरी कर सकते हो। तो ये था इसका कुछ कुर्ता। इसके बॉटम की बात करें तो इसका बॉटम ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, दोनों कुर्ते और बॉटम में भी दोनों में ही काफ़ी अच्छा असर मिल जा रहा है। देख सकते हो ये कुछ ऐसा अस्तर अंदर दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने सिलाई वगैरह भी की हुई है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिया हुआ है कुछ भी। और ये देख सकते हो इसका प्लाजो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, नीचे आपको ये लेस की डिटेलिंग दी हुई है, और इसका लेंथ देख सकते हो ये कुछ इसका लेंथ दिया हुआ है ये, और ऊपर इलास्टिक दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है इसका भी फैब्रिक। ये फैब्रिक इसका जॉर्जेट का फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको ट्रायल हॉल में समझ आ जाएगा कैसा इसका लुक आता है। और इसका दुपट्टे की बात करें तो ये देख सकते हो कुछ इसका ऐसा दुपट्टा दिया हुआ है, बीच में ये आपको लीव की ये कुछ ऐसी डिज़ाइन दी हुई है, और ये इसका दुपट्टा देख सकते हो साइड साइड में ये ऐसा राउंड राउंड कटआउट डिटेल दिया हुआ है, और ये डिज़ाइन कुछ ऐसी दी हुई है। काफ़ी प्यारा ये कुर्ता सेट है, और ये देख सकते हो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा कलर है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा है ये और बहुत ज़्यादा प्यारा इसका लुक आता है। तो ये कुर्ता सेट हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा ये रिसीव हुआ है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छा है, तो हाईली रिकमेंडेड है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये मैंने कुछ ऐसा प्लेन ये कुर्ता सेट ऑर्डर किया है, इसका मुझे नेक काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये देख सकते हो आप इसका नेक बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें डिटेल दिया हुआ है, और काफ़ी सिंपल है, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये मैंने गोट स्ट्री से ऑर्डर किया था, और इसमें साइज मैंने स्मॉल ऑर्डर की थी, तो ये देख सकते हो ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसकी स्लीव आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी स्लीव दी हुई है, काफ़ी अच्छी स्लीव दी हुई है, और इसका नेक ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। लेंथ आप देख सकते हो कुर्ते की काफ़ी अच्छी लेंथ दी हुई है, ये लंबी लड़कियाँ काफ़ी ईजिली इसे वेयर कर सकती हैं। ये देख सकते हो नीचे आपको ये कुछ ऐसा डिजाइन वगैरह दिया हुआ है, काफी अच्छी इसमें डिजाइन दी हुई है, पास से भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से वर्क किया हुआ है फ्रेट का, और बहुत ज्यादा प्यारा इसका लुक आता है। इसका डिजाइन मुझे कुछ थोड़ा कश्मीर वाली डिजाइन लगती है, बट ये मुझे उतना नहीं पता ये कौन सा डिजाइन है, बट इसका डिजाइन काफी प्यारा है, ये आप देख सकते हो सामने से, काफी प्यारा इसका डिजाइन वगैरह दिया हुआ है, और वेयर करने के बाद भी काफी ज्यादा प्यारा लगता है। तो इसके दुपट्टे की बात करते हैं, इसका दुपट्टा ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, इसका लेस देख सकते हो ये कुछ ऐसी लेस दी हुई है पूरे दुपट्टे में, और ये कुछ ऐसा ये पैटर्न दिया हुआ है, ये पूरे दुपट्टे में काफ़ी अच्छा इसका दुपट्टा है, और इसका लेंथ और ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसका ब्रेथ दिया हुआ है, सारे दुपट्टे में से इसका सबसे ज़्यादा ब्रेथ दिया हुआ है, और लंबा भी ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये देख सकते हो, और लगाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है ये। तो ये इसका कुछ ऐसा दुपट्टा है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। और इसके पैंट की बात करें तो ये बेसिक पैंट दी हुई है, ऊपर इलास्टिक दी हुई है, और पॉकेट भी आपको मिल जाएगी, इस
वाले में आपको पॉकेट में मिल जाएगी। और ये देख सकते हो इसका लेंथ काफी अच्छा, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसे जरूर ट्राई करना, तो ये काफी ज्यादा अच्छी लगी और बहुत प्यारी है, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कुर्ता सेट की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे मैंने नेवी ब्लू कलर में ये मैंने परचेस किया है, तो ये भी मोस्टली ब्रांड से है। तो इसके कुर्ते की बात करते हैं, ये कुछ ऐसा बेसिक कुर्ता ये मुझे रिसीव हुआ है, और ये भी अनारकली पैटर्न है, थोड़ा सा इसका घेरा कुछ इतना इसका घेरा दिया हुआ है, और इसका पैटर्न आप देख सकते हो पूरे में फ्लावर्स दिए हुए हैं, और भी नेक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा इसका नेक वगैरह दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वेयर करने पर। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में काफ़ी इजी वेयर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सिंपल और काफ़ी डिसेंट है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। इसका भी मटेरियल आपको कॉटन मिल जाता है, और इसका नेक आप देख सकते हो फ्रंट से काफ़ी अच्छा इसमें प्रिंट वगैरह दिया हुआ है, और पूरे कुर्ती में ये फ्लावर्स के प्रिंट दिए हुए हैं, फ्लावर्स और लीव्स के, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आप क्राउन हॉल में देखना, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये कुर्ती है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी लेंथ दी हुई है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके बॉटम की बात करें, तो इसका बॉटम ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, इसमें भी आपको ये छोटे छोटे फ्लावर्स की डिटेल दी हुई है, हमें एक साइड पॉकेट दी हुई है, काफ़ी अच्छी खासी पॉकेट दी हुई है ये देख सकते हो, और ऊपर इलास्टिक दी हुई है, और इसकी लेंथ ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी लेंथ दी हुई है। ये प्लाजो पैंट है, और बहुत ज़्यादा अच्छा और कम्फर्टेबल ये पैंट है, और इसका मटेरियल आपको कॉटन मिल जाता है, पैंट काफ़ी अच्छा ये रिसीव हुआ है। मुझे इसके पैंट्स का भी ये फ्लावर्स छोटे छोटे दिए हुए काफ़ी अच्छे ये दिए हुए हैं, तो ये कुछ ऐसा इसका पैंट दिया हुआ है। और दुपट्टे की बात करें, तो दुपट्टा आपको ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसका आप लेंथ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी भी लेंथ दी हुई है, और ब्रेथ आपको ठीक ठाक दी हुई है, देख सकते हो आप कितनी कुछ ऐसी कितनी दी हुई है। तो ये दुपट्टे का भी लुक आपको ये बॉटम और ये अपर का डिज़ाइन मिक्स करके ये दिया हुआ है, ये देख सकते हो, ये भी प्योर कॉटन मटेरियल का दुपट्टा है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसका भी आप लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है। आपको ट्रायल हॉल में तो सारे दिख ही जाएंगे, बट ये काफ़ी प्यारे, ये सारे मैंने भी जितने दिखाए आपको, बहुत ज़्यादा प्यारे कुर्ता सेट है, और आप इनमें से ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइस में है, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मुझे तो सारी कुर्तीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए अब दो फुटवेयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ये कुछ ऐसा, ये मैंने मैकलॉरिन से ये परचेस किया था, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ वो इग्नोर करना। तो ये देख सकते हो, ये ऐसी कुछ मैंने ये फुटवेयर ऑर्डर की थी, ये एक बेसिक फुटवेयर है, बट ये काफ़ी एलिगेंट लगती है वेयर करने के बाद, और इसका हील आप देख सकते हो, ये कुछ इतनी कुछ हील दी हुई है, 2 इंच या फिर हाँ 2 इंच की हील दी हुई है इसमें, और ऐसी हील काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, मुझे ऐसी ब्लॉक हील ही कंफर्टेबल लगती है, बाकी मैं पेंसिल वगैरह वेयर नहीं करती। मेरी साइज़ में 38 है, और बहुत ज़्यादा अच्छी है मुझे रिसीव हुई है। इसमें आपको साइड में ये बकल दिया हुआ है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, और ये इसका आप देख सकते हो सामने से मटेरियल, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है, और करने के बाद काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, और ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये देख सकते हो। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना अगर आपको ऐसी बेसिक हील चाहिए तो। ऐसे न्यूड कलर की हील सारी आउटफिट के साथ चली भी जाती हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में ये मिली है, और काफ़ी अच्छी डिस्काउंट में ये मुझे मिला है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना अगर आपको ऐसी हील्स चाहिए तो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैंने के शू टोपियो से ये मैंने परचेस किया है, तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ ऐसी ये मुझे रिसीव हुई है, ये मैंने कुछ ऐसा गोल्ड में परचेस किया है, इसमें आपको सिल्वर भी मिल जाएगा, ताकि मैंने इसमें गोल्ड परचेस किया है। इसकी हील आपको 3 इंच की हील मिल जाती है, और ये देख सकते हो, और इसका आप लोग देखो कितना प्यारा इसका लुक दिया हुआ है, और ये जो स्टोन्स की वर्क दी हुई है काफ़ी अच्छे से ये वर्क दिया हुआ है, और बहुत प्यारा लगता है वेयर करने के बाद। आप इसे शादी वगैरह या फिर आप इसे कैसे भी कहीं भी इसे कैरी कर सकते हो, और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी ये मुझे रिसीव हुई है। अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल भी है ये देख सकते हो आप, और प्यारी तो बहुत ज़्यादा है ये, काफ़ी क्यूट ये इसका लुक आता है, और इसमें आपको ये एडजस्ट करने को ये दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, ये देख सकते हो ये कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसे इसे वेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा ये हील है, और काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मुझे मिला है, और प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हील है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड है। तो ये था लास्ट प्रोडक्ट, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑल में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।